हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न और 1 से 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो एनटीपीसी ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, आर्मी, नेवी, एसएससी, जीडी आदि में पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले 60 तक का प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, उसमें आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? देखें, पहले हम इसको ट्रिक वाले ही फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। एक्स और 2 वाई कोई आदमी है और उसका जो अनुपात है 2:1 दिया है, 2:1 दिया हुआ है 14 वर्ष बाद। तो हम लिखेंगे 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 29:18। तो हम लिख देंगे 29:18। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा कि नहीं। तो अगर हम घटाते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर हम 29 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो रहा है? आ रहा है 27, और इसमें 18 में से 1 घटा रहे हैं तो 17 हो रहा है। इसका मतलब दोनों डिफरेंस बराबर नहीं। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना है? 29 में से 18 घटा देंगे। क्या करेंगे? 29 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा। और फिर ऊपर में हम 2 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 1। अब 1 का जो गुणा करेंगे वो हम नीचे में कर देंगे, दोनों में 1 का गुणा, और नीचे वाला जो 11 आया है उसका ऊपर में दोनों अनुपात में गुणा कर देंगे तो ये 11। तो जो x और y का जो अनुपात हो जाएगा दूसरा, तो 11 दूना 22 और 11 एकम 11 और 1 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 29:18। अब देखेंगे दोनों का रेशियो डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 18 में से 11 निकाले 7, और फिर 9 में से 29 में से 22 निकाले 7। अब रेशियो बराबर आता है तो 7:1 बराबर आपका दिया है 14 वर्ष, 14 वर्ष दिया गया है। तो 7:1 बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का गुणा 1:2, तो 11:11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 22। तो पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु का अंतर बताइए। तो यहाँ भी हम किस में गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर होगा 44। अब 44 में से हम 42 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22 वर्ष। दोनों का अंतर हो जाएगा 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष बड़ी है, तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात बताइए। यहां से हम क्या करेंगे? वर्तमान में सीमा और रीमा लिखेंगे, सीमा और रीमा, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 2x और मान लेते हैं 3x, यक्स यक्स मान लेते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब सीमा सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष बड़ी है, रीमा से 6 वर्ष बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? 3x में से 2x घटा देंगे तो हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी? अंतर 6 वर्ष क्या है? सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है तो छोटी की वैल्यू कितना? अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है।
अब ये तो यक्स बराबर हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 6 आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, कह रहा है 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात बताइए। तो हम 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12, और 3 में गुणा करेंगे 18, और 6 वर्ष बाद पूछ रहा, तो 6 का भी इसमें जोड़ देंगे, तो ये इसमें जोड़ेंगे दोनों में, तो 12 6 18 हो जाएगा, और यहाँ 18 6 24 हो गया। अब इन दोनों का काट लेंगे, 6 3 18 और 6 4 24, तो जो रेशियो आएगा 3:4 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3:4, सी ऑप्शन सही है। जो रेशियो दिया गया है, यही रेशियो सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो दोनों का अंतर है, 6 वर्ष छोटी है, तो दोनों का अंतर जो है आ जाएगा, वो 6 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा। तो 6 की जो वैल्यू आई है उसको हम इसमें 2x में और 3x में गुणा कर देंगे, और फिर 6 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में वो रेशियो आ जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, रत्ना के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि रत्ना के 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। उनके माता पिता की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम निकालेंगे, मान लेते हैं रत्ना के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष, तो रत्ना जो है, रत्ना को मान लेते हैं कितना, 0 वर्ष, जिस दिन वो पैदा हुई थी उस समय पिता की जो आयु थी वो था 38 वर्ष, 38 वर्ष, जबकि रत्ना के 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। मतलब उस समय जब माता, जब ये रत्ना पैदा हुई थी उस समय माता की आयु हो जाएगी कितना, 4 वर्ष बड़ा हो गया था, तो ये हो जाएगा 38 में से हम 4 घटा दे देंगे, सॉरी 36 में से, जो माता की आयु, लिखिए 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी, तो माता की आयु हो जाएगी 32 वर्ष। हम क्या करेंगे, 36 में से 4 घटा देंगे, तो माता की उम्र हो जाएगी 32 वर्ष उस समय के, रत्ना के जन्म के समय। फिर क्या कह रहा है, माता और पिता की आयु का अंतर बताइए, तो क्या हो जाएगा, 38 में से 32 घटाएंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। यहां पर अगर हम ऐसे देखें, ऑप्शन से हल कर सकते हैं, कैसे, अगर हम मान लेते हैं 12, 12 अगर लेते हैं, तो 12 में हम 4 पहले जोड़ेंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद होता है 3 गुना, तो हम इसको 12 4 16 और 16 3 48 जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा 3 गुना है और योग करने पे 56 आना चाहिए, 8 6 14 और 6 4 1 5 1 6, इसका मतलब पहला गलत हो गया। अब हम चलते हैं 10, डी वाला ऑप्शन लेते हैं, 10 वाला लेते हैं, मान लीजिए इसमें 10 में 4 जोड़ दिया, 14, 4 वर्ष बाद कर रहा है, और 14 में 3 का गुणा कर दिया, 14 3 42, 14 में 42 जोड़ दिया, देखते हैं 6 और 5 56 वर्ष आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 10 वर्ष सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहां से देखिए,
माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्री की आयु क्या होगी? तो हम पहले हम 10 12 लिया, गलत हो गया, 16 भी गलत हो जाएगा, हम 10 ले लिया, 10 लिया, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ने के बाद में ये दुगना कर 3 गुना कर दीजिए, 4 जोड़े फिर 3 गुना कर दिए, 42 है, 14 3 42 आ गया, और 14 और 42 दोनों को जोड़ने पे 56 आना चाहिए, तो हमारा 56 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका 10 सही हो जाएगा। आप ऐसे ना अलग ऐसे दूसरी तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक में बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, 65 नंबर, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी? 15 वर्ष पर करीम की जो उम्र थी पहले, मान लेते हैं करीम की वर्तमान उम्र, करीम की वर्तमान उम्र मान लेते हैं यक्ष, तो 15 वर्ष पहले, तो यक्ष में से हम 15 घटा देंगे, 15 वर्ष पहले थी से 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद यक्ष प्लस 15 फिर जोड़ देंगे, 4 गुना होगी, कौन? ये 4 गुना है, तो इसमें हम जो माइनस किया थे उसमें गुणा कर देंगे, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 4x और 15 चौका 60, यक्ष प्लस 15, यक्ष को 4x की तरफ लाएंगे और घट जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 50 इसको 60 को 15 की तरफ लाएंगे तो ये से 75 हो जाएगा, x बराबर इसको काटेंगे 3 2 6 और 3 5 15, तो यक्ष की वैल्यू आ गई 15। तो करीम की वर्तमान उम्र कितनी होगी? तो सॉरी 25 वर्ष हो जाएगी, बोलने में मिसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखें, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो हम पिता यफ और यस, यफ फॉर फादर, यस और यस फॉर सन, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, अगर सन 1 है तो पिता 7 गुना है, 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 15 वर्ष है। उनके आयु का योग 15 वर्ष है, तो दोनों यहां क्या करेंगे, ये यक्ष 7x और यक्ष हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में 5 5 जोड़ देंगे और दोनों सभी का योग हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष दोनों में बढ़ रहा है, फादर में 5 वर्ष बढ़ रहा है और बेटे में भी 5 वर्ष बढ़ रहा है, तो अब सभी को जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 8 और 5 5 10, इन दोनों के बराबर दिया है 50, तो 8x बराबर हो जाएगा, 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, x बराबर 8 5 40, 5 आ जाएगा। अब कह रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 5 वर्ष, क्योंकि x माने हुए हैं तो 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, माता पिता तथा दो बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष और 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु बताइए। माता पिता क्या दिया है, औसत आयु 30 वर्ष, तो माता प्लस पिता का औसत आयु दिया गया है कितना, 30 वर्ष, तो ये गुणा हो जाएगा माता पिता का, इधर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। आगे कह रहा है दो बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष दिया गया, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, आठ दूनी 16 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो कह रहा है परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 76, और 76 में से माता पिता दो और दो बच्चे 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 कम 4 3 और 4 9 36, ये हो गया 36, तो ऑप्शन नंबर आपका 19 अगर है तो सही है, तो ऑप्शन नंबर 19 दिया हुआ है बी में, ऐसे लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, यदि 4 वर्ष पहले रवि की आयु में जय से
6 वर्ष बड़ा था, तो बताइए कि अब जय की आयु कितनी है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखें, कह रहा जो रवि और जय का रेशियो जो दिया है 3:2 दिया है, तो दोनों में एक्स एक्स जोड़ देंगे। 4 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले तो 3x-4 और 2x-4, 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा है, जय से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम जय में जोड़ देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ 3x, यहाँ से देखिए -4 और -4 दोनों तरफ कट जाएंगे, यहाँ से 2x इधर ले आएंगे और 6 को इधर, तो x बराबर हो जाएगा 6। अब कह रहा है अब जय की आयु कितनी है, तो अब जय की आयु कितनी हो जाएगी, हम इसमें गुणा कर देंगे, 2 × 6 = 12 वर्ष, 6 × 2 = 12 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में 2 गुना उम्र का है, ए बी सी की उम्र का योग 27 वर्ष हो तो बी की उम्र बताइए। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी, ए बी और सी जो दिया गया है वो 27 वर्ष है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए है बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो ए मान एक्स मान लीजिए और ये x-2, 2 वर्ष बड़ा है तो बड़ा है ठीक है, इसमें घटा दिया। फिर कह रहा है जो सी की तुलना में 2 गुना उम्र है, सी की तुलना में 2 गुना उम्र है, तो x-2 का 2 गुना है। अब इसको क्या कह रहा है, सभी का योग जोड़ लीजिए, बराबर दिया है 27, तो यहाँ से जोड़ेंगे 2x+2x-4 प्लस x-2 बराबर 27 × 54। अब ये 6 हो गया, 4 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 5x = 54। पांच एक्स बराबर हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 12। आप कह रहा है बी की उम्र बताइए, तो बी की उम्र कितना है, x-2, 12 में से 2 घटा देंगे तो बराबर 10 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्स की उम्र 36 वर्ष है, वाई की उम्र 16 वर्ष है, तो कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। एक्स 36 वर्ष का है और वाई 16 वर्ष का है, तो 2 गुनी कब होगी, देखें अगर हम दोनों में 2 जोड़ देते हैं और इसमें 2, 18 × 2 = 16, 2 = 32, 4 जोड़ते हैं, 4 इसमें जोड़ दीजिए और 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 20, तो ये 2 गुना हो गया, क्या है 2 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त हुए, अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।